अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और बहुत ही दिनों से आप लोगों का ये सवाल आ रहा था कि Redmi Note 4 में अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। आखिरी अपडेट आया था बीटा अपडेट 20 दिसंबर को, और वो भी दोस्तों नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल पे था, और उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप चाइना रोम में देखेंगे तो हर हफ्ते चाइना रोम जो है वो अपडेट हो रहा है, और Redmi Note 4 को हर हफ्ते चाइना रोम में अपडेट मिल रहा है। तो आखिर ग्लोबल रोम में ये अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर बीटा रोम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ये Xiaomi Redmi Note 4 को वो लोग अपडेट नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ Redmi Note 4 ही नहीं दोस्तों, Redmi Note 5 भी एक ऐसा डिवाइस है जिसे 3 महीने से कोई अपडेट नहीं मिला है। Redmi Note 4 को तो 20 दिसंबर से कोई अपडेट नहीं मिला है, लेकिन Redmi Note 5 को लगभग दोस्तों 18 नवंबर से कोई अपडेट नहीं मिला है। और ये जो दोनों डिवाइस के यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले Redmi Note 4 तो 2 साल पुराना हो चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि मे बी Xiaomi इसका सपोर्ट ख़त्म कर रहा होगा। लेकिन Redmi Note 5 का तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो दोस्तों 14 फरवरी को जिंदा हुआ था, बॉर्न हुआ था, और उसके बाद जो है अभी हमें मिल रहा है 6-8 महीने के बाद, या फिर कह सकते हैं 11 महीने के बाद दोस्तों, अभी हमें कोई अपडेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर ऐसा Xiaomi कर क्यों रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। और दोस्तों आप हमारा ब्लॉग को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए, वहां पर मैं पहले ही अपडेट कर देता हूं इन सभी वीडियोस के टॉपिक्स को। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, Redmi Note 4 और Redmi Note 5 को अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैंने यह पता करने के लिए Redmi Note 4 में चाइना रोम को फ्लैश किया और सोचा कि जान लेता हूं कि आखिर उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने काफी अच्छे से सिस्टम को चेक किया, हर चीज चेक किया, मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आया, लेकिन बस एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम यह था कि फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा था तो कम से कम Xiaomi वाले किसी और चीज का अपडेट दे देते, फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं काम करने देते तो कोई बात नहीं, बाद में फिक्स होता। लेकिन लगभग 3-4 अपडेट से चाइना रोम में दोस्तों फिंगरप्रिंट को फिक्स नहीं किया गया है। मे भी हो सकता है वो लोग सोच रहे होंगे कि ग्लोबल यूजर ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसका जो अपडेट नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 महीने में भी Redmi Note 5 का फिंगरप्रिंट सेंसर से ठीक ना हो, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, जरूर कुछ ना कुछ और बात है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ और बात भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने Xiaomi से बहुत ही ज्यादा पूछने की कोशिश किया कि भाई बता दो Redmi Note 5 में अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर Redmi Note 4 में अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। बस उनका जवाब एकदम मुंह बंद, कोई जवाब नहीं है। तो ये जो मुंह बंद वाला सिस्टम है, इससे मुझे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है। और क्या पंगा चल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों पंगा ये चल रहा है कि ये लोग जो अपडेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। Xiaomi के जो डेवलपर्स हैं वो शायद बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेवलपर शायद नहीं हैं, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होना दोस्तों, कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड था, Xiaomi था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड आता था जो कि दोस्तों Xiaomi ही आता था, और उसके अंदर MI और Redmi और Poco जो है वो सब ब्रांड नहीं थे पहले। लेकिन पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो है MI भी अलग ब्रांड हो गया, Redmi भी अलग ब्रांड हो गया, और Poco भी अलग ब्रांड हो गया। तो 3 अलग-अलग सब ब्रांड हो चुके हैं Xiaomi के, और ये जो 3 अलग-अलग सब ब्रांड है दोस्तों, इनको मैनेज करने के लिए सबके जो डेवलपर्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अगर सबके डेवलपर्स एक होंगे तो जो ब्रांड को, जो सब ब्रांड को मालिक हैंडल कर रहा होगा उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि जब 3 अलग-अलग सब ब्रांड है तो सबका जो हेड होगा वो अलग होगा। जैसे मनु कुमार जैन MI के, जैसे जय मनी Poco के, और उसी तरह से Redmi के डोनोवन सैंग। तो इस तरह से दोस्तों 3 अलग-अलग जो हेड्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जब से Poco लॉन्च हुआ है, अपडेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Poco के अपडेट्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन वो लोग कंटिन्यूसली फोरम पे अपडेट दे देते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आएगा तो कौन सा फीचर आएगा, ये वाली फिक्सेस कब होंगी। तो जो Poco का अभी फोरम चल रहा है, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट फेज में चल रहा है। जो Xiaomi या Redmi या MI जो भी है दोस्तों, उनसे सबसे बेस्ट अगर कोई सपोर्ट मिल रहा है तो वो Poco को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों उनके जो हेड है उन्हें बस एक ही डिवाइस को संभालना है, वो है दोस्तों Poco, और वो एक ही डिवाइस को काफ़ी अच्छे से संभाल रहा है। जब Poco में भी डिवाइसेस बढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो उन्हें भी परेशानी होगी, लेकिन अभी उनके डेवलपर्स को सिर्फ एक ही डिवाइस को संभालना है, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से संभाल पा रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ली यहाँ पर Redmi के बारे में, तो आप जानते हैं कि Redmi का जो लाइनअप है वो बहुत ही बड़ा लाइनअप है। Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 2S, और फिर दोस्तों इस तरह से करके बहुत सारे लाइनअप है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा Redmi डिवाइसेस को जो डिसकंटिन्यू भी कर दिया, जैसे कि Redmi 1S डिसकंटिन्यू हो चुका है, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi Note 3, ये सब डिवाइसेस दोस्तों अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो ये सब डिवाइसेस डिसकंटिन्यू होने का वजह यही था कि Redmi का लाइनअप बहुत ही बड़ा हो गया था, और जो डेवलपर्स है सबको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और काफ़ी पुराना भी हो गया था, तो इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और कहा गया कि अब हम लोग जो है आगे वाले आने वाले डिवाइसेस पे ध्यान देंगे।
इसी तरह से दोस्तों अगर Xiaomi का बात कर ले, MI का बात कर ले, तो MI में भी कुछ फोन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जैसे कि MI 2, MI 3, MI 4 ये सब अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। और MI 5 दोस्तों अभी का भी डिसकंटिन्यू हो गया, जबकि वो इतना बेहतरीन स्नैपड्रैगन 821 वाला प्रोसेसर था, तो MI 5 भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे आप MI 5 का डिसकंटिन्यूएशन से आप जान सकते हैं कि आखिर Xiaomi के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। तीन अलग अलग सब ब्रांड को चलाना, तीनों अलग अलग हेड के अंदर में चलाना, और तीनों हेड को एक ही दिन MI वाई के अपडेट देना, यानी कि फ्राइडे को बीटा अपडेट देना। और ऐसा जब ऐसा एक आदमी के अंदर में था तो वो सारे डिवाइसेस को एक ही दिन अपडेट देने को पॉसिबल था, लेकिन जब ये तीन अलग अलग डिवाइसेस जो है तीन अलग अलग लोगों में बढ़ गए हैं, तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और इसीलिए यहाँ पर Redmi Note 4 और Redmi Note 5 को काफ़ी ज़्यादा जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि वो लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। नेगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ डिवाइसेस जो कि पुराने प्रोसेसर्स पे हैं, पुराने प्रोसेसर्स कहने का मतलब यह है जो कि स्नैपड्रैगन 625 पे हैं, जैसे कि Redmi Note 5 स्नैपड्रैगन 625 पे है, Redmi Note 4 स्नैपड्रैगन 625 पे है, या फिर उनसे पुराने प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 435 पे होगा, 430 पे होगा, या फिर 650 पे होगा, उन सभी प्रोसेसर्स को दोस्तों जो भी फोन्स हैं उन्हें जो है धीरे धीरे करके वो लोग सपोर्ट छोड़ रहे हैं। और जो भी नए नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेसर्स होते हैं दोस्तों वो इसी फेज में बनाए जाते हैं कि आने वाले फ्यूचर को सपोर्ट करें, लेकिन उनकी फ्यूचर भी लिमिट होती है। अगर स्नैपड्रैगन 650 आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्नैपड्रैगन 625 के जैसा नहीं था, यानी कि स्नैपड्रैगन 650 काफ़ी फास्ट था दोस्तों, स्नैपड्रैगन 625 से भी फास्ट था, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 625 में कुछ चीज़ें मिल जाती थी जो कि फ्यूचर प्रूफ था, वो स्नैपड्रैगन 650 में नहीं था। उसी तरह से दोस्तों जब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 था तो वो एंड्रॉयड ओरियो को सपोर्ट नहीं करता था या एंड्रॉयड नोगट को भी सपोर्ट नहीं करता था, तो जो 800 सीरीज का 801 या 810 सीरीज का फोन आया, जैसे कि MI 3 MI 4, उन्हें जो एंड्रॉयड मार्शमेलो तक ही अपडेट मिला और एंड्रॉयड जो है नोगट उनमें सपोर्ट नहीं था। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिसके कारण स्नैपड्रैगन 625 वाले फोन्स का सपोर्ट धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, चाहे वो Redmi Note 5 हो, Redmi 3S हो, Redmi Note 4 हो या कोई और डिवाइसेस हो। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इन सभी डिवाइसेस का फ्यूचर क्या है, तो इन सभी डिवाइसेस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में लग रहा है, खास करके Redmi Note 5 यूजर्स को, क्योंकि उन्होंने तो फरवरी में ही खरीदा है और अभी 3 महीने से उन्हें कोई भी बीटा अपडेट नहीं मिल रहा है। तो जहां तक बात है स्टेबल अपडेट की, उन्हें स्टेबल अपडेट मिलता रहेगा, स्टेबल अपडेट के लिए कोई भी टेंशन नहीं है, आपको 10.1 10.2 हर महीने, डेढ़ महीने, दो महीने में मिलता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीटा यूजर्स थोड़े दिन के लिए होल्ड पे हो सकता है, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि जो बीटा टेस्टिंग हो वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाए Redmi Note 4 या Redmi Note 5 के लिए, ऐसा पॉसिबल है। बाकी दोस्तों इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है, बाकी सभी जो डिवाइसेस है स्नैपड्रैगन 636 660 उन सबको तो मिलता रहेगा, और जो ये सब डिवाइसेस हैं जो भी इनके यूजर्स हैं आप जो है थोड़ा सा निराशा ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा सोचो मत, कस्टम रॉम्स वगैरह अवेलेबल आप चाहे तो उसे फ्लैश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उतना फ्लैश वगैरह करने में ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्टेबल रॉम पे रहो, स्टेबल रॉम में आपको जो अपडेट मिलता रहेगा, और मे भी हो सकता है कि वो लोग बीटा रॉम पे अब ज़्यादा ध्यान ना ही दें। दोस्तों मैं शाहरुख, और मुझे आप लोग बताना था कि आखिर क्यों Redmi Note 4 और Redmi Note 5 जैसे डिवाइसेस में अपडेट नहीं आ रहा है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।